उस परंपरा को निभाने के लिए पूरी तरह से अपना योगदान वो देते हैं। पहलवान ऊपर नदी पहले से ही एक होनहार पहलवान है, आज दोनों इनकी कुश्ती 1,00,000 ने कराई है। सबसे बड़ी बात यह है, आज तक मथुरा और ब्रजभूमि में से कोई भी पहलवान आज तक हिंदू मल्ल विद्या ब्रज की प्राचीन कला है। कुश्ती की शुरुआत ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के भाई बलदाऊ महाराज ने की थी। उन्होंने कंस के मल्लों के साथ कुश्ती लड़ी थी, तभी से विद्या की परंपरा शुरू हुई है। ये विचार कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने व्यक्त किए। वो मंगलवार को ब्रह्मा जी की नगरी चौमुआ में आयोजित कुश्ती दंगल में बोल रहे थे। यहाँ समाज सेवी ठाकुर बांके बिहारी लाल उर्फ पूरन सिंह सिसोदिया द्वारा अपने निजी खर्चे पर कुश्ती दंगल आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि बिहारी लाल उर्फ पूरन सिंह सिसोदिया द्वारा यह साहस भरा कार्य विगत कई वर्षों से रक्षाबंधन के दूसरे दिन कराया जा रहा है। यह कार्य सराहनीय है, इससे पहलवानों को अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का अवसर मिलता है। समाज सेवी ठाकुर बिहारी लाल उर्फ पूरन सिंह सिसोदिया ने कहा कि पहलवानों के उत्साह एवं कस्बा की परंपरा बनाए रखने के लिए वो विगत कई सालों से अपने निजी खर्चे से कुश्ती दंगल का आयोजन कराते हैं। इसमें कई राज्यों के नामी गिरामी सैकड़ों पहलवान भाग लेते हैं। कुश्ती में महिला पहलवान भी आते हैं। पूरे विश्व में ब्रज को भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कर्मस्थली के साथ कुश्ती दंगल के लिए भी जाना जाता है। कुश्ती दंगल 200 रुपए से शुरू होकर 2,00,000 रुपए पर आखिरी कुश्ती भारत के श्री हरिकेश पहलवान एवं युधिष्ठर पहलवान के मध्य हुई, जो बराबरी पर छूटी। दोनों पहलवानों को 51,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। वहीं दूसरे नंबर की कुश्ती नवदीप पहलवान एवं विक्रम पहलवान के बीच 1,00,000 रुपए पर लड़ी गई, जिसमें विक्रम ने बाजी मारी। दंगल में भारी संख्या में दर्शक उमड़े और आखिरी कुश्ती तक लोग डटे रहे। सैकड़ों पहलवानों ने अपने दाव पेश दिखाकर इनाम बटोरे। लोग टिकटकी लगाकर कुश्ती दंगल देखते रहे। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस को भी काफी कसरत करनी पड़ी। दंगल आयोजक ठाकुर बिहारी लाल उर्फ पूरन सिंह सिसोदिया द्वारा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण एवं प्रतिनिधि नरदेव चौधरी का चांदी का मुकुट पहनाकर जोशीला स्वागत किया गया और सभी अतिथियों एवं खलीफाओं दंगल कमेटी ने स्वाफा पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया। रेफरी की भूमिका भगवान सिंह फौजी, रामजीलाल पहलवान, देवेंद्र पहलवान, गुड्डू पहलवान द्वारा की गई। दंगल में पूर्व चेयरमैन ओंकार सिंह, पातिराम सिसोदिया, राजवीर सिंह, सुरेश मेंबर, लोकेंद्र प्रधान, ज्ञान सिंह, सतीश शर्मा, बीरी सिंह, लखपत, गिरिराज सिंह, संजय सिंह, मूलचंद, राजवीर, सप्तोलंबरदार, विष्णु पहलवान, गुड्डू पहलवान, कल्याण सिंह, तिलक राम सहित हजारों लोग मौजूद रहे। ज्ञानेंद्र सिंह ने 31 व लोकेंद्र प्रधान ने 51,000 रुपए का सहयोग किया। दंगल में सैकड़ों कुश्तियां लड़ी गईं, संचालन रामजीलाल पहलवान ने किया। तो चौमा में बिहारी लाल जी द्वारा दंगल का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये सैकड़ों वर्ष पुराना दंगल है। पहले ये हमारे दो थोक हैं, उनके द्वारा लगाया जाता था। अब कई वर्ष से इस पूरन सिंह दंगल को लगा रहे हैं। पूरन हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, चेयरमैन कुछ वोटों से पराजित हुए थे। ये हमारी भारतवर्ष की और ब्रजभूमि की खास तौर से कुश्ती ही एक परंपरा है। भगवान बलराम और भगवान कृष्ण के जमाने से, क्योंकि सबसे पहले बलराम जी और भगवान कृष्ण ने ही कंस ने कुश्ती कराई, उन्होंने उसका उस समय बंद किया कि उनका ये मल्ल विद्या अब तो पूरे दुनिया में जानी जाती है। भारतवर्ष एक मल्ल विद्या के लिए हमेशा से बहुत ही प्रसिद्ध रहा है और भारतवर्ष में भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ब्रजभूमि रही है। आज दिल्ली और आगरे के बीच ये दंगलों की शुरुआत है। यहाँ हमारे उत्तरी भारत के मशहूर पहलवानों ने आज भाग लिया है। हमारे ब्रज केसरी से रह के भारत केसरी तक हरकेश पहलवान रहे हैं, युधिष्ठर से उनकी कुश्ती ही बराबर रही। हमारे विक्रम बड़े पहलवान हैं, उनकी कुश्ती लवनीत से हुई पंजाब के से, विक्रम विजयी हुआ। जनता ने बहुत सहयोग किया है, मैं इसके लिए अंतिम कुश्ती 1,51,000 रुपए, 2,00,000 रुपए हुई, 2,01,000 रुपए अंतिम कुश्ती हुई, निर्णय बराबर। ये दंगल का आयोजन किया है, किस उपलक्ष में आयोजन किया गया? ये हमारे यहाँ रक्षाबंधन के उपलक्ष में हर वर्ष की बात किया जाता है, जिसे सभी नगरवासियों के सहयोग से हम लोग
मनाते चले आ रहे हैं। कितने पहलवान कहाँ से पहलवान आए यहाँ पे? आपने देखा है सारे लोग आए हैं, हरियाणा से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, यूपी से आए हैं, पंजाब से आए हैं। शुरुआती कुश्ती कितने में रही और अंतिम कुश्ती कितने तक बढ़ी गई? शुरुआती कुश्ती 50 रुपए से स्टार्ट हुई और अंतिम कुश्ती 2 लाख रुपए पे हुई। अंतिम कुश्ती का निर्णय क्या रहा? अंतिम कुश्ती बराबर पर रही जो कि हरकेश पहलवान और युधिष्ठिर के बीच में रही। मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ कौन मौजूद रहे? यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कैबिनेट लक्ष्मीनारायण चौधरी जी रहे, उनके साथ मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी जी रहे और ब्लॉक प्रमुख काशीराम जी रहे, समस्त नगरवासियों का सहयोग रहा।